तो पक्का है कि आज मेरी हालत ख़राब होने वाली है। हमें सही रखना होगा ताकि आगे बढ़े नहीं, हो नहीं। तो मैं जा रही हूँ, पहले नाश्ता कर लेती हूँ, उन सब को सजा देती हूँ बेड पे। और ये हम सभी चारों गए थे सोमनाथ मंदिर। तो ये हमारा हो गया खाना रेडी, देखिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है दिव्या ब्लॉग्स में। आज हम क्लीनिंग करने वाले हैं घर की, क्योंकि देखिए फेस्टिवल का सीज़न शुरू होने वाला है और मैं एक दिन में क्लीनिंग नहीं कर पाती हूँ। मैं छोटे छोटे पार्ट में क्लीनिंग करती हूँ, कभी कुछ क्लीनिंग कर दिया, कभी कुछ क्लीनिंग कर दिया। तो आज मैं जो है कि अपने बेडरूम का क्लीनिंग कर रही हूँ, क्योंकि बेडरूम की क्लीनिंग करनी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे पंखे जो देख रही है, पंखे बहुत गंदे हो गए हैं। पंखे तो वैसे सब जगह के गंदे हो गए हैं, लेकिन बेडरूम का जब पंखा या कोई भी डस्ट इकट्ठा होता है ना, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मुझे स्नीजिंग शुरू हो जाती है, यानी छींकें आने शुरू हो जाती हैं। डस्ट से एलर्जी है मुझे, तो इसलिए मुझे डस्ट हटाना बहुत ज़रूरी होता है। और डस्ट हटाने के लिए भी मुझे मास्क लगाना चाहिए, तो मैं बिना मास्क लगाए ही कर रही हूँ। तो पक्का है कि आज मेरी हालत ख़राब होने वाली है, और मैं ये जानते हुए भी बिना मास्क लगाए आज सारा का सारा डस्ट क्लीनिंग कर रही हूँ। तो मैं पूरा जो जितना झाला लगा है ना, पूरा मकड़ी ने झाला लगा लिया। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, इस मौसम में इतनी ज़्यादा मकड़ियाँ झाला लगा लेती हैं। अभी साफ़ करो, दो दिन के बाद फिर से झाला दिखाई देने लगता है। तो सारे झालों को मैं हटा रही हूँ, और झालों को हटाने के बाद फिर मैं पंखे को भी साफ़ करूँगी। पंखे को मोटा मोटी झाड़ू से निकाल दे रही हूँ, और ये झाड़ू ना बड़ा अच्छा है। ये वो प्लास्टिक वाली जो झाड़ू आती है ना, एकदम बारीक वाली, वो वाला झाड़ू है। तो इसे बड़ा अच्छे से ये सब क्लीनिंग वाला वर्क हो जाता है, झाले वाले भी बड़े अच्छे से निकल जाते हैं। और पंखा का देखिए मोटा मोटा कितना सारा कचरा निकल रहा है, तो मोटा मोटी पंखे का भी कचरा मैंने निकाल दिया है। बाकी बचेगा जो, मैं उसको सीढ़ी लगा करके और कपड़े से पोंछ दूंगी, तो अच्छे से साफ़ हो जाएगा। और मैंने सरफ़ का पानी लिया है, कपड़े में भिगोया है सरफ़ का पानी, और उससे मैं इस फ़ैन को पोंछूंगी, क्योंकि फ़ैन इतना ज़्यादा ब्लैक हो गया है कि ऐसे तो जाएगा नहीं, कॉलिन से भी नहीं जाएगा। तो इसको सर्फ से ही पोंछना पड़ेगा पहले, बाद में भले कॉलिन से कर सकते हैं, एक दो दिन के बाद जब ये साफ़ हो जाए। तो आज मैं इसको सर्फ़ के पानी से साफ़ करूँगी, और सर्फ़ के पानी से साफ़ करने के बाद देखिएगा बहुत अच्छा हो जाएगा हमारा फ़ैन। तो इतनी हाइट पे मैं चढ़ गई हूँ, सबसे टॉप वाले लेयर पे मैं चढ़ी हूँ सीढ़ियों पे। मैं इतनी टॉप लेयर पे चढ़ने में थोड़ा सा मुझे एक फियर सी महसूस होती है टॉप लेवल पे, क्योंकि कुछ भी वो नहीं रहता, लेकिन आज मैं टॉप लेवल पे बिल्कुल चढ़ गई और क्लीनिंग कर रही हूँ। बस गिरूँगी तो कोई बचाने वाला नहीं है, आज घर में कोई भी नहीं है इस वक्त, बच्चे भी नहीं है इवन, तो कोई बचाएगा नहीं अगर मैं गिर गई। तो ये हो गया मेरा पंखे का सफाई, और बाकी काम करने से पहले मैंने सोचा पहले नाश्ता कर लूँ, क्योंकि काम करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, और इतने समय भूखे रहना वो सही बात नहीं है, डायबिटीज़ को दावा देना हो जाता है। तो वैसे भी थोड़े से लक्षण मुझे लग रहे हैं कि शायद स्टार्टिंग हो रही है, तो उसको हमें सही रखना होगा ताकि आगे बढ़े नहीं, हो नहीं। तो मैं जा रही हूँ, पहले नाश्ता कर लेती हूँ। तो अब मैं नाश्ता बैठ के कर रही हूँ, और साथ ही साथ भजन भी सुन रही हूँ। मज़ा आता है ना भजन के साथ में, नाश्ते करते रहना, काम करते रहना। मैं जब भी काम करती हूँ ना, तो ऐसे भजन ज़रूर लगा लेती हूँ, और भजन के साथ में ही अपने काम करती हूँ, तो मुझे काम करने में बहुत मज़ा आता है, इंटरेस्ट आता है। और कोई अगर भजन वजन ना लगाओ, कोई सॉन्ग ना लगाओ अपने मनपसंद, तो काम करने में इतना मज़ा नहीं आता है। तो हमेशा यही करती हूँ मैं, कि जब भी काम करती हूँ तो टीवी पे भजन लगा लेती हूँ और आराम से अपना काम करती हूँ, तो बहुत मज़ा आता है, एंजॉय ले लेके काम करते हैं। तो हमारा फ़ैन तो क्लीन हो गया है, लेकिन बाकी काम अभी बचा है उस रूम का। तो आज पूरा का पूरा काम मेरा उसी रूम का है, उस बेडरूम को ही सही करना है, बाकी इधर के सब बाद में होंगे। लेकिन आज मैं सिर्फ़ और सिर्फ एक रूम का काम करूँगी, उसमें जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको वॉश भी करना है, तो सारी चीज़ें वॉश करूँगी। और नाश्ता अच्छा है कि मैं सुबह ही बना दी थी, बच्चे जब स्कूल गए थे तो वही नाश्ता बचा हुआ था, उसमें से मैंने भी कर लिया, रोटी सब्ज़ी वगैरह ले करके। और ये देखिए, ये सारे टॉय जो बेडरूम में रखे हुए थे, इन सबको भी मैंने धो दिया है, और धो के धूप में धूप में सुखा दिया था। ये देखिए अच्छे से धूप में सूख गया है और क्लीन भी हो गया है, सब पे डस्ट पड़ गया था बहुत ज़्यादा।
और बिस्तर पे भी अब बहुत ज़्यादा कचरे पड़ गए हैं। जब मैंने पंखे साफ़ किए थे ना, तो पंखे के सारे जितने भी डस्ट थे वो सब बेड के ऊपर आके गिरे हैं और नीचे ज़मीन पे गिरे हैं। तो बेडशीट को भी हटाऊंगी, लेकिन उसके पहले मैं जितने टॉय थे उन सब को सजा देती हूँ बेड पे, जो शानू के टॉयज हैं सारे के सारे। तो शानू जब भी सोने आती हैं ना बेड पे, तो वो इन टॉयज से खेलती रहती हैं, और उसके बाद जब मन करता है तो अब फिर अपना स्टडी करती हैं और फिर सो जाती है। अच्छा, उसकी ना एक बहुत अच्छी हैबिट है, वो रात को हमेशा पढ़ती है स्टोरी बुक और उसके बाद ही सोती है। तो बहुत अच्छी हैबिट है उसकी। तो मैं उसके सारे के सारे टॉय लगा दी हूँ, और ये देखिए अब कुछ ऐसा लग रहा है। मैं सारे टॉय इधर नहीं लगाई, कुछ टॉय उसके कार वाले लगा दिए, बाकी उधर मैं रखूँगी। और इधर का ये देखिए, ये हम लोग की फ़ोटोज है, ये हम ऋषिकेश गए थे, हम और सोमू सिर्फ गए थे, तब की है। और ये हम सभी चारों गए थे सोमनाथ मंदिर गुजरात, तो वहाँ की है, गुजरात की। तो ये देखिए अब कुछ इस तरीके से हो गया है सही। अब बस बेडशीट हमें हटानी है और बेडशीट दूसरी लगानी है। ये सारे फोटोज हैं जो ऊपर दीवार पे टंगे थे, इनको भी साफ़ करूँगी। देखिए कितने डस्ट हैं, और बेड पे देखिए अब सारे डस्ट आ गए हैं। ये देखिए किस कैसे ब्लैक ब्लैक से पंखे के सारे गिरे पड़े हैं। और नीचे भी अभी आपको दिखाती हूँ, नीचे पूरा ये देखिए पंखा तो एकदम चकाचक चमक रहा है ना, एकदम साफ़ हो गया है पंखा। और नीचे का भी सफाई कर लेते हैं, क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा ये देख रहे हैं ब्लैक ब्लैक ब्लैक, ये देखिए पूरी गंदगी इकट्ठी हो गई है। तो इनको साइड कर देती हूँ, पोछा वाली आएगी झाड़ू वाली तो वो अपना झाड़ू लगा के हटा देगी, लेकिन उसको साइड करना तो ज़रूरी है। तो अब मैं ये बेडशीट लगा देती हूँ। बेडशीट लगाने के बाद देखिए कितना सही लगता है। अच्छा, ये ना मोटे वाला गद्दा है मेरा, 8 इंची का गद्दा, तो हाइट थोड़ी ज़्यादा हो गई है मेरे बेड की। अब मुझे लगता है ना कि मुझे 8 इंच का नहीं मंगवाना चाहिए था, मुझे 6 इंच का मंगवाना चाहिए था। हालांकि 8 इंच पे सोने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन चढ़ने के वक्त थोड़ी सी परेशानी होती है ज़रूर है। तो अगर 6 इंच का रहता तो ज़्यादा बेहतर रहता। तो नेक्स्ट टाइम जब भी मंगवाऊँगी तो मैं इससे कम इंची का गद्दा मंगवाऊँगी, 6 इंची वाला मंगवाऊँगी। अभी इस बार तो ये 8 इंची का हो गया, और इसको काफ़ी साल हो गए हमें इस्तेमाल करते हुए, लेकिन अभी भी सही है ये गद्दा। और वैसे का वैसे फ्लॉपी है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है ये गद्दा, हमने लिया था तो बहुत ही अच्छा गद्दा। इसमें इवन कवर भी दिया हुआ, जिप भी निकाल के इसका साफ़ कर सकते हैं गद्दे का। तो गद्दा बहुत ही बढ़िया है। देखिए मैंने बेडशीट लगा दी है, अब कितना सही लग रहा है, जैसा लग रहा है कि मेरा न्यू घर हो गया। अच्छा, क्लीनिंग कर दो ना तो ऐसा लगता है कि हमारा वही पुराना वाला घर जो है वो एकदम नया बन गया हो, जब हम साफ़ सुथरा कर देते हैं अपने घरों को। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया आज का लगभग, इधर का काम बस झाड़ू पोछा का रह गया, जो आएगी पोछे वाली तो वो अपना कर लेगी। बेडशीट अब हो गया है और सारा काम भी लगभग कर लिया है मैंने, इस रूम की सफाई का। आज मैंने बेडरूम की रूम की सफाई किया, बाकी रूम धीरे धीरे एक दिन में सारा नहीं करूँगी, क्योंकि एक दिन में सारा करूँगी तो बहुत ज़्यादा थक जाऊँगी। तो अब जा रही हूँ नहाने, टाइम हो गया है 12:30, अब नहा लेती हूँ क्योंकि खाना भी मुझे बनाना है और टाइम हो जाएगा फिर बच्चों के आने का। तो बस आज के लिए इतना ही। मेरे ब्लॉग आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे लाइक करें और शेयर करें। अगले ब्लॉग में फिर आप सभी से मिलते हैं, टिल देन बाय बाय। ये मैंने वो लूबिया होता है ना, लूबिया उसका दाना भिगो रखा है, ड्राई दाना आता है मार्केट में मिलता है, तो ये सीड्स उसके हैं। ये बहुत अच्छे लगते हैं इनकी सब्जी खाने में, तो ये मैंने भिगो रखा है शाम के लिए, क्योंकि अभी तो ये फूला नहीं है अच्छे से, तो शाम को बनाऊंगी उसकी सब्ज़ी लूबिया की, लूबिया के सीड्स की, लूबिया नहीं है लूबिया के सीड्स की। किस चीज़ को पता है कि लूबिया क्या होता है मुझे बताना कमेंट में। तो ये देखिए मैं बना रही हूँ सब्जी, और
आलू की भुजिया बना रही हूँ इस टाइम, क्योंकि मेरे को ज़्यादा काम करने का मन नहीं हो रहा था, तो इस टाइम बना रही हूँ आलू की भुजिया। और राइस है तो राइस को फ्राई कर दूँगी, और रोटी है, राइस फ्राई, रोटी, दाल, चावल, मतलब चावल क्या वही राइस फ्राई हो जाएगा खाने में। तो ये हमारा हो गया खाना रेडी। देखिए, राइस फ्राई, दाल, दाल मखनी है, और आलू की भुजिया और रोटी। तो चलते हैं, इसे अब हम टेबल पे रख देते हैं, और बच्चे भी आ गए हैं तो हम सभी जो है अब साथ में खाना खाएंगे। सो फ्रेंड्स, खाना मैंने निकाल लिया और आज मैंने जो जो बनाया आपको दिखाई दिया। मैं जा रही हूँ खाने और बच्चे भी आ गए हैं तो हम सब साथ में ही बैठ के खाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं तो मैं बच्चों के बगैर नहीं खाती, चाहे मुझे कितनी भी ज़्यादा भूख लगी हो, जब बच्चे आ जाते हैं तभी मैं खाना खाती हूँ उनके साथ में। तो बच्चे आ गए हैं, कपड़े वगैरह चेंज कर रहे हैं, हाथ मुँह धो लेते हैं, फिर उसके बाद हम सभी बैठ के खाना खाते हैं। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। ब्लॉग अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। सब्जी की जो झांस है ना, वो अभी भी किचन में रह गई है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले ब्लॉग में फिर आप सभी से मिलते हैं। टिल देन, बाय बाय।